गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल फिट एंड फाइन एंड सेफ एट योर होम। डियर स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास आई एक्सप्लेन एक्सरसाइज 8.2। आई होप यू हैव नो डाउट इन दैट एक्सरसाइज। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3। बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज आई हैव राइट डाउन सम फॉर्मूलाज। Compound interest, I think you have remembered. So this exercise can be solved. In this exercise, we have to learn how to find amount and compound interest. So this formula is most important for you. This is the first question given that P is equal to 10,800. T is equal to 3 years and rate equal to 12 by 2% per annum compound annually. आपको find करना है amount and compound interest. Okay. First question. Given that T is equal to rupees 10,800. T is equal to 3 years and I is equal to 12 by 2%. Then we have to find amount and compound interest. First of all, we found amount. A is equal to P into 1 plus R by 100 power N. When is the time? Okay. You see, 10,800. I is equal to, actually R जो दिया हुआ है, mixed fraction में दिया हुआ है, इसको हम चेंज कर देंगे तो 25/2 आ जाएगा। ओके, 25/2 into 100 into n into 3 years, इसको कट कर देंगे। ओके, therefore 8 by 8 power 3. Okay, this questions will be solved and you will get amount. इसको हम लोग क्या करेंगे, कट कर देंगे। कट करने के बाद आपको आंसर फाइंड आ जाएगा। जैसे आप कट कर सकते हैं, 4 के टेबल से कर देगा, 4 2 8, अब 4 से कट जाएगा दिस टाइम। ओके, ये आपका कर सकता है 4 2 8 और ये कट जाएगा 24 3 0 28 × 7 00। हम 4 से डिवाइड कर देंगे, अब ये नहीं कटेगा। ओके, मिनट की कटेगा तो 6 × 7 5 × 9 × 9 × 9 / 2 × 2 × 8। ओके, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल सकता है 4 9 2 0 7 5 बाय, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 32। अब इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। ओके, डिवाइड करेंगे तो ये कर सकता है आपका 15377.34। ओके, ये इतने बार में कट जाएगा 15377.34। ये आपका क्या निकल के आ गया, ए निकल के आ गया। ओके, अब मुझे क्या निकालना था, सी आई। सी आई के फॉर्मूला का होता है ए माइनस पी होता है। ए हम कितना फाइंड करके लाए, ये 15377.34 माइनस पी दिया हुआ है 10,800। ओके, इसी को माइनस कर देंगे हम लोग, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका
0.34 हो जाएगा यहाँ पे, ओके। फिर आपका ये 7.7 हो जाएगा और यहाँ पर 13 तो आपका आ जाएगा 5। यहाँ पे इसी के माइनस कर सकते हैं 1533 77.34 34 008 01, इसका माइनस कर देंगे 34 हो जाएगा 7754, ओके, यानी कि 4 5.3 इतना ये आपका सी आई ए आंसर हो जाएगा और एक ये आंसर हो जाएगा, ओके। आई होप समझ में आ गया कैसे निकालना है। सबसे पहले आपको ए फाइंड करना है, ओके। तो ए का फॉर्मूला जो होता है P(1+R)/100(n) होता है, मैंने पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आपको ए फाइंड हो गया यहाँ पे, ओके। उसके बाद सी आई निकालना था, सी आई का फॉर्मूला होता है a-p, ए रखकर पी रख दिया, माइनस कर देंगे तो आपका सी आई निकल जाएगा। इस तरह से हम अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट है फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स, कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में फर्स्ट का बी नंबर ही दिया हुआ है, फर्स्ट का बी नंबर जिसमें पी दिया हुआ है आपका ₹18,000 टी यानी टाइम जो दिया हुआ है 2 होल 1/2 ईयर और रेट दिया हुआ है 10%, ओके, रेट दिया 10%। आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि टाइम जो दिया है फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था कि जब टाइम फ्रैक्शन में हो तो उसके लिए ए निकालने का फॉर्मूला जो होता है a²p(1+R)/100(n)(1+), यहाँ पे जो होगा जिसे होल दिया है 2 होल 1/2, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1/2 r/100, ओके। इसमें पुट करेंगे पी 1+R, आर दिया है आपका 10/100, एन यानी कि 2 हो जाएगा यहाँ पे, ओके। 1+1/2 r, आर दिया है 10/100, ओके। इसी को सॉल्व कर देंगे हम लोग, ये कट जाएगा 10 times 10 11 11 by 10, स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2 से कट जाएगा 5 बार में 5 से कट जाएगा 20 बार में, ये क्या हो जाएगा 20 by 20 11 by 10 into 11 by 10 into 21 by 20, 1 2 3 0 से 1 2 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 9 बार में, बच जाएगा 9 into 11 into 11 into 21। इसी को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2 8 6 9 आ जाएगा, 2 2 8 6 9 आ जाएगा, ओके। आपका फर्स्ट आंसर आपका फाइंड हो जाएगा 2 2 8 6 9 2 2 8 6 9, ये आपका अमाउंट निकल के आ गया एक आंसर। उसके बाद निकालना था मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सी आई, तो सी आई का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस पी, ए मेरा दिया है 2 2 8 6 9 माइनस पी दिया हुआ है 18,000, इसको माइनस कर दिया जाएगा 22,869 में से 18,000, इसको माइनस कर देंगे तो 9 6 8 कैरी चल जाएगा यहाँ पर, तो 4 हो जाएगा कट जाएगा, यानी कि 4 8 6 9 आंसर आ जाएगा, ओके। इस तरह से हम लोग क्या है, अगर टाइम जो है फ्रैक्शन में दिया रहता है, टाइम जब फ्रैक्शन में रहेगा तो उसके लिए फार्मूला हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे p(1+R)/n, n मतलब यहाँ होल नंबर जो टाइम में दिया रहता है
उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं। फिर 1 + 1/2 यानी कि जो ये इम्प्रॉपर में दिया रहेगा उसको लिख देंगे मल्टीप्लाई में रेट, आर होता है यानी कि रेट होता है। ओके, इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्लियर? कोई डाउट नहीं है स्टूडेंट्स, समझ में आ जा रहा आप लोगों को? बस इसमें सी नंबर क्वेश्चन दिया है, वही टाइम में दिया और फ्रैक्शन में आई थिंक बन जाएगा। इसमें दिया है हाफ ईयरली दिया है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो मैंने इसके लिए फॉर्मूला लिखा है कि अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है तो रेट जो होता है आपका हाफ हो जाता है और टाइम जो होता है आपका डबल हो जाता है। ओके, जैसे यहाँ पर पी तो दिया है 62,500, ये तो पी सेम रहेगा, ये टाइम जो दिया है मिक्स में दिया है तो इसको मिक्स को चेंज करेंगे तो 3/2 आएगा, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाता है। तो 3/2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 इयर्स टाइम आ जाएगा और एट दिया ये रेट दिया हुआ है तो ये हाफ हो जाएगा यानी 4% हो जाएगा। याद रखेंगे कंपाउंडेड हाफ ईयरली में टाइम जो होता है डबल होता है, मतलब 2 से 2 मल्टीप्लाई करते हैं और रेट को हाफ करते हैं, मतलब 2 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे तो सी नंबर बन जाएगा। उसी तरह से आपका डी नंबर भी क्वेश्चन वही दिया हुआ है। ओके, ई नंबर भी क्वेश्चन हाफ ईयरली दिया हुआ है यानी कि 10,000 पी दिया है, 1 ईयर टाइम दिया है तो डबल हो जाएगा, तो 1 × 2 = 2 ईयर्स हो जाएगा और एट दिया है 8% या हाफ हो जाता है, 8/2 = 4% हो जाएगा। तब उसके बाद कंपाउंड हाफ ईयरली हो गया, उसके बाद एक फॉर्मूला यूज कर देंगे, उसको सी आई फाइंड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सेकेंड नंबर, कमला बॉरोड 26,400 फ्रॉम ए बैंक टू द बाई अ स्कूटर। कमला जो है बैंक से स्कूटर खरीदने के लिए 26,400 लोन ले रही है यानी पी हो गया, रेट ऑफ है 15% रेट हो गया, कंपाउंडेड ईयरली, ये कंपाउंडेड ईयरली है तो कोई इसमें चेंज नहीं होगा। व्हाट अमाउंट विल सी पे एट द एंड ऑफ 2 years 4 months टू द क्लियर द लोन। 2 years 4 months के बाद ही जो है इस लोन जो कितना पे करेगी ये फाइंड करना है, यानी इसमें अमाउंट निकालना है वही मालूम चल जाएगा। इस क्वेश्चन भी आपको उसी तरह से बनाना है, इसमें जो गिवन डेट भी दिया है 2 नंबर उसको लिख देंगे, गिवन डेट भी दिया हुआ है, पी दिया हुआ है यानी प्रिंसिपल 26,400 ये पी हो गया, आर दिया हुआ है 15% आर हो गया और टी दिया है 2 years 4 months एक्चुअली 2 years 4 months दिया है, इसमें चेंज कर देंगे 2/4 × 12 इस तरह इसको बदल देंगे, 2 years तो ये हो गया ईयर्स में है और ये 4 months दिया था, मंथ को हम लोग क्या करेंगे ईयर में चेंज करते हैं, तो मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड कर दिया, कट कर देंगे 4 × 4 = 1/3 years। अब यहाँ पर क्या हो गया आपका टाइम जो है फ्रैक्शन में आ गया, मिक्स फ्रैक्शन में आ गया, तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जिससे क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट का बी बनाए थे, क्वेश्चन आप फर्स्ट का बी जिसे बनाए थे, ये फॉर्मूला a² p (1+r/100)(n)(1+) जो मिक्स कर दिया जाता है 1/3 × r/100। इस फॉर्मूला के यूज करेंगे तो पी आपका कितना दिया है 26,400, 1 + r आपका 15% दिया हुआ है, n मतलब इसमें होल में दिया है 2 तो 2 हो जाएगा, 1 + 1/3 × r 15 होगा बाई 100, इसी को कट कर देंगे 3 × 5 = 15 है, 5 से कट जाएगा ये 20 बार में, यहाँ पे भी कट जाएगा 5 × 3 = 15, 5 से कट जाएगा 20 बार में, 2 × 6 हो जाएगा 20 × 20 = 23 हो जाएगा, 23/20 का स्क्वायर और यहाँ पर इंटू हो जाएगा 20 × 20 = 21 इसी को सॉल्व करेंगे 2 × 6 = 400 × 23/20 = 21/20 इस तरह से इसको हम लोग क्या करेंगे
सॉल्व कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, फिर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ओके। फिर आपका दो से इसको कट कर सकते हैं, वन जा टू थ्री जा टू जा फोर हो गया, फिर आपका दो से कट जाएगा, टू सिक्स जा टू सिक्स जा कट जाएगा, ओके। उसके बाद आप फिर आपको कट कर सकते हैं, ये टू से कट करेंगे तो टू टेन जा आप उसको कट जाएगा 33 बार में। इसके बाद क्या हो जाएगा, बचेगा आपका 33 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 21 बाई में 10 हो जाएगा। ये सबको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मल्टीप्लाई करने पाएगा 366 597 बाई में 10। 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 366 5 9.70, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट में लोन जो देगा यही देगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कोई डाउट नहीं है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्लियर। नो डाउट इन दैट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि फेबिना बोरोस 12,500 एट द 12% पर एनम फॉर 3 इयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। फेबिना जो है 12,500 12% पर एनम से 3 इयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर लोन ले रही है, और राधा जो है सेम अमाउंट को सेम टाइम में, बट उसका टाइम रेट जो है केवल 10% है और कंपाउंड एनुअली ले रही है। तो वह हु पेस मोर इंटरेस्ट बाय हाउ मच, तो कौन जो है इंटरेस्ट को सबसे अधिक पे कर रही है बाय कि हाउ मच। तो थ्री नंबर जो बनाएंगे फॉर फेबिना, तो मैंने के लिए पी दिया हुआ है 12,500 आर दिया हुआ है 12% एंड टी दिया हुआ है 3 इयर्स। तो क्या करेंगे इसके लिए हम लोग सिंपलेस्ट इंटरेस्ट यानी एस आई निकाल लेंगे। एस आई पर भी क्या होता है पी आर टी बाई 100, तो पी हो गया 12,500 इंटू 12 इंटू 3 बाई में 100 हो जाएगा, इसी कट जाएगा तो बच गया इसमें 125 इंटू 12 इंटू 3, इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 45000, ओके 45000 आ जाएगा इसका। इसके बाद है ऐसा निकल गया फेबिना का, अब निकालेंगे फॉर राधा। फॉर राधा के लिए पी जो होगा यही हो जाएगा 12,500, आर जो होगा आपका चेंज हो जा रहा, आर आपका दिया 10% और टी जो होगा 3 इयर्स ही होगा, टाइम कोई चेंज नहीं हो रहा है। ओके टाइम जो है सेम है, इसमें क्या निकालेंगे हम लोग डायरेक्ट वन में हम लोग सी आई भी निकालते हैं, कुछ ए की जरूरत नहीं है इसमें, डायरेक्ट हम क्या करते हैं सी आई निकाल देते हैं। ओके तो डायरेक्ट सी आई का फॉर्मूला होता है सी आई इसको जो पी इंटू 1 + r/100 टू पावर एन माइनस 1, ये डायरेक्ट सी आई निकालने का फॉर्मूला होता है। हमको अमाउंट नहीं निकालना है, डायरेक्ट हमको सी आई निकालना है, सी आई का फॉर्मूला ये वाला होता है, नोट कर सकते हैं। ओके आर दिया 10
टाइम दिया है 3 माइनस 1 ओके 10 से कट जाएगा ये 12 5 जगह 0 ये हो जाएगा 11 बाई 10 का क्यूब माइनस 1 ओके 12 500 और ये हो जाएगा 11 को 3 टाइम मिल जाएंगे 1 3 3 1 आएगा और यहाँ पे 1000 हो जाता है माइनस 1 इसको अब एलसीएम निकाल देते हैं हम लोग ओके तो 1000 सेम हो जाएगा 1 3 3 1 माइनस 3 कर दिया जाएगा 3 3 1/1000 आ जाएगा 2 0 2 0 कट जाएगा ओके 2 0 2 0 हम कटा सकते हैं यहाँ पे इसके बाद 125 है मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई 3 3 1/10 हो जाएगा ठीक है तो उसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे ये आ जाएगा 4 1 3 7 5 4 1 3 7 5 4 1 3 7 5 4 1 3 7 5 4 1 3 7 5 by 10 ओके 10 से इसमें डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 4137.50 ये इतना फाइंड आउट हो जाएगा ओके तीसरा से इसका सी आई पी मिल गया अब पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि हु पेस मोर किसने ज़्यादा पे किया आप देख रहे हैं कि फमीना का जो है 4500 है यानी 4500 है और इसका है 4137 इससे क्लियर हो गया कि फेमिना जो है ज्यादा पे कर रही है ओके देखेंगे फेमिना पेस मोर फेमिना पेस मोर फेमिना क्या अधिक पे करती है फेमिना अधिक पे करती है भाई हाउ मच कितना तो फेमिना पे कर रही है 4500 माइनस और ये राधा पे कर रही है 4137.37 इतना ओके तो ये कितना अधिक पे कर रही है इसको क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे माइनस करने पे जो आंसर आएगा वही क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा माइनस कर देंगे तो हो जाएगा ये 50 है के बाद हो जाएगा वहाँ पर 3 10 26 माइनस कर देंगे 326 आंसर यानी फेमिना जो है 326 रुपीज 50 पैसे जो होता है अधिक पे कर रही है ओके इस तरह से क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं ओके स्टूडेंट्स कोई डाउट नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 4 नंबर में आई बोरोड 12,000 फ्रॉम द जमशेद एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स Had I borrowed this sum 6% per annum compound interest, which extra amount would I pay? I have to pay. Just like a question of 4-3 की तरह ही है कि मैं जो हूँ 12,000 जमशेद से 6% रेट पर सिंपल इंटरेस्ट के लिए 2 वर्ष के लिए रहा हूँ ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए जा रहा है 2 वर्ष के लिए तो एस आई निकाल लेंगे PRT/100 ओके पी में आपका 12,000 हो जाएगा आर में 6% और टाइम में 2 ईयर्स हो जाएगा इस पर एस आई निकल कर आ जाएगा उसके बाद फिर आपका दिया हुआ है हैड आई बोरोड दिस अमाउंट इसी अमाउंट को मैं बोरोड कर रहा हूँ 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पर कर रहा हूँ इसको ठीक है तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर निकालने के लिए ए निकाल लेंगे इसका ए के लिए वही हो जाएगा पी आपका 12,000 हो जाएगा 6% आपका 8 हो जाएगा टाइम भी आपका सेम रहेगा सब ये सेम रहेगा उसके बाद इस पर ए निकाल लिया जाएगा ओके और ए निकाल लेंगे पी निकाल के या उसके बाद सी ए निकाल लेंगे उसके बाद देख लेंगे कौन सा ज़्यादा हो रहा है किसका उसके अनुसार से हम लोग सॉल्व कर देंगे ओके तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं कोई डाउट नहीं है स्टूडेंट्स क्लियर क्वेश्चन 5 दिया हुआ है वासुदेवन इन्वेस्टेड 60,000 एट इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली पर ये वासुदेवन जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं ओके व्हाट अमाउंट वुड ही गेट उनका अमाउंट क्या मिलेगा लास्ट में आफ्टर 6 मंथ के बाद आफ्टर 1 ईयर और 1 ईयर के बाद
ये बता रहा है कि आप कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पी जो होगा आपका 60 साल हो जाएगा। रेट जो क्या होता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली में हाफ हो जाता है, रेट 12% दिया है तो आर इक्वल टू 6% हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और टाइम दिया है 6 मंथ, तो 6 मंथ यानी डबल हो जाएगा या 12 मंथ हो जाएगा, 6 × 2 = 12 × 1 ईयर हो जाएगा। ओके, उसको ए का फॉर्मूला यूज कर देंगे। ए का फॉर्मूला में आपका पी जो होगा 60 साल हो जाएगा, आर आपका 6% हो जाएगा, कंपाउंड हाफ ईयरली है इसे 12 का हाफ हो जाएगा। और टाइम दिया है 6 मंथ, ये भी हाफ ईयरली, कौन सा सेट क्या होता है डबल होता है, तो 6 × 12 ईयर्स 12 मंथ हो जाएगा, तो उसको हम ईयर बदल लेंगे तो 1 ईयर हो जाएगा, टाइम आपका 1 ईयर हो जाएगा। इस तरह से अमाउंट फाइंड कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन दिया आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर में क्या होगा, आफ्टर 1 ईयर में आपका तो पी जो होगा 60,000 ही रहेगा, आर आपका 6% हो जाएगा। ओके, और आफ्टर 1 ईयर टाइम दिया तो 1 के बदले में कितना हो जाएगा 2 ईयर्स हो जाएगा, टाइम डबल हो जाएगा तो 1 की जगह 2 हो जाएगा, और उसके बाद आप इसको सॉल्व कर देंगे। ओके, तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, कोई डाउट नहीं है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इस तरह से आपका क्या हुआ, ये एक्सरसाइज जो है 8.3 का क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा आपको, अगर डाउट होगा तो आप कहीं भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका क्लास वर्क में क्या करना है, एक्सरसाइज है 8.3 का 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉल्व करके मुझे दिखाना है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपका क्लास जो है ओवर हुआ। डेट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।